चैनल किचन विद फेलिशिया। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ 10 मिनट मैंगो डिज़र्ट। बहुत ही जल्दी बन जाता है, अगर आप चाहें तो इसे पार्टी में बना सकते हैं या वैसे ही बनाकर बच्चों को सर्व कर सकते हैं इवनिंग में। और वैसे भी मैंगो जाने वाले हैं तो जाते जाते मैं आपको इसका 10 मिनट का डिज़र्ट बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही क्विक सा है, जल्दी बन जाएगा। यहाँ पर लेने हैं आपको टी केक, अगर आप चाहें तो घर पर बना सकते हैं। टी केक की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप सर्च करें टी केक बाय किचन विद फेलिशिया तो आपको ईजिली मिल जाएगी। नहीं बनाना चाहते हो आप तो रेडीमेड केक भी ले सकते हैं स्लाइस वाले। इसके अलावा मैंगो की प्यूरी ली है 1 कप, सिर्फ मैंगो लिया और उसे ब्लेंड कर लिया और कुछ भी नहीं डाला मैंने इसमें। और यहाँ पर ली है व्हिपिंग क्रीम, 1 कप क्रीम ली है मैंने। क्रीम मेरी मीठी है तो मैं इसमें चीनी ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पर ले रही हूँ मैं कंडेंस मिल्क, 1/2 कप लिया है कंडेंस मिल्क। 2 टेबल स्पून लिया है मैंने यहाँ पर चॉकलेट सीरम। 4 टेबल स्पून यहाँ पर लिया है मैंने दूध। इसे हम इसमें मिक्स करेंगे चॉकलेट में। तो सबसे पहले हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मैंगो की प्यूरी, कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ कंडेंस मिल्क डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि हम कोई मैंगो आइसक्रीम खा रहे हैं। देखिए हमारी बीट हो चुकी है। अब ये वाला जो दूध लिया था हमने, ये हम डाल देंगे इसके अंदर चॉकलेट के अंदर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से देखिए मिक्स हो चुका है। अब जिस डिश में आपको असेंबल करना है वो डिश ले लेंगे और इसमें रख देंगे स्लाइसेस। इस तरह से अरेंज कर देंगे। चॉकलेट का हमने सिरप बनाया था ये इसके ऊपर पोर कर देंगे। अच्छा एक टेस्ट आएगा, अंदर से चॉकलेटी ऊपर से मैंगो, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो ये हो गया, अब इसके ऊपर हम पोर कर देंगे क्रीम। क्रीम जितनी आपको पसंद है आप उतनी इसके ऊपर पोर कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। 10 मिनट का बनने वाला ये डिज़र्ट बहुत ही मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। और ऐसा आप इसे जल्दी से भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रीम भी ठंडी है और मैंगो की प्यूरी भी ठंडी थी, तो आप इसे जल्दी से भी मतलब कि मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बस इसे हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम साइडों से डाल देंगे केक के क्रम्स, जो केक हमारे आखिर में बच गए थे उनकी हम क्रम्स से इसे डेकोरेट कर लेंगे। बिल्कुल थोड़े थोड़े क्रम्स लेकर कॉर्नर्स को हम फिल कर देंगे। और चाहें तो आप इसे इसे किसी बड़े बॉल में भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 लेयर दी है, आप चाहें तो 2-3 लेयर भी दे सकते हैं। और बस बीच में हम थोड़े से बादाम डाल देंगे, ये ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो ज़रूर डालिएगा वरना स्किप कर सकते हैं। तो तैयार है मज़ेदार सा 10 मिनट मैंगो डिज़र्ट। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा।